हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और सेहतमंद होंगे। और आज का थंबनेल देखकर तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ डार्क सर्कल के बारे में, यानी कि जो आँखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं उसके बारे में। तो ये ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जो कि हर एक मतलब कि हर दूसरे आदमी के आँखों के नीचे ये देखने को हमें मिलती ही रहती है। और ये आँखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं ना, इससे पूरा हमारा जो फेस है वो बिल्कुल मतलब कि इतना, सच बताऊँ तो इतना बेकार लगता है देखने में कि ना कोई मेकअप करने का मन करता है और ना ही कुछ। और चाहे आप जितना भी मेकअप कर लो, जो डार्क सर्कल होते हैं वो तो मतलब कि दिखेंगे ही दिखेंगे। और इसे ना हमारी पूरी खूबसूरती जो है वो एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्कुल लो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी मतलब कि ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपके घर में ही अवेलेबल है, और उससे आप आराम से एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से अपने डार्क सर्कल को दूर कर लेंगे। तो अब मैं बिल्कुल लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में आएगा बेल आइकन उस पर भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जो हमारे आँखों के डार्क सर्कल होते हैं उसके लिए बहुत सारे मतलब कि लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं, दवाइयाँ भी लगाती हैं, बट इसका जो सॉल्यूशन है वो परमानेंट नहीं है। आप जितने दिन तक दवा लगाओगे, हो सकता है कि आपका ठीक हो जाए बट वो फिर से हो जाता है। तो आपको चाहिए कि बिल्कुल आपके पूरे फेस की जो स्किन है वो बिल्कुल सेम रहे, ये नहीं कि यहाँ पे काला रहे और यहाँ पे सफ़ेद रहे, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो जो हमारे डार्क सर्कल होते हैं उन्हें हम लोग दूर कर सकते हैं खीरे से। जो खीरा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो खीरे से हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं अभी मैं आपको बता दे रही हूँ। और ये मैं मेरा आजमाया हुआ है, सही बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे आँखों के नीचे ना बहुत ज़्यादा काले घेरे थे, और सच बताऊँ तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ना कि मेरे काले घेरे कभी ठीक भी होंगे। तो चलिए अब मैं जो है यूज करते करते आप लोगों के साथ मतलब कि आपको बताते जाऊँगी, और क्या क्या लगाना है आप लोग देखते जाइए। तो फ्रेंड्स, अब मेरे 10 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इन्हें हटा रही हूँ। अब देखिए मेरे आँखों को इतनी ठंडक महसूस हो रही है, सही बता रही हूँ। तो आँखों को ठंडक मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसी की वजह से जो हमारे डार्क सर्कल हैं वो दूर होते हैं। क्योंकि जो हमारी आँखें हैं वो थक जाती हैं, मतलब कि आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, या फिर ऐसे भी, क्योंकि हमारे आँखों की जो स्किन होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। और जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये भी आपके किचन में ही अवेलेबल होता है। तो दूसरी चीज़ है ये आलू के स्लाइसेस। आलू के स्लाइसेस को देख लीजिए, इस तरह से अच्छी तरह से स्लाइसेस कर मतलब कि धोकर और स्लाइस में कट कर लेने हैं, और इसे भी फ्रिज में कम से कम 10 मिनट के लिए रख देना है, और उसके बाद इसे भी अपने आँखों पे रख लेना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आलू एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, और ये नेचुरल ब्लीचिंग है। इससे मतलब कि बहुत तरह के दाग धब्बे दूर होते हैं, मतलब कि इस ये बहुत ही अच्छा होता है, सही बता रही हूँ। आप अगर खीरा नहीं भी रखेंगे ना, सिर्फ आलू के स्लाइसेस भी रखेंगे ना, तो आपके डार्क सर्कल दूर हो जाएंगे। तो बस इसे भी मैं अपने आँखों पर रख लूँगी 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे 10 मिनट हो गए हैं और मैंने हटा लिया, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो देखिए,
देखिए मेरी आंखों के नीचे आपको बिल्कुल डार्क सर्कल नहीं दिखाई देंगे, और मेरे फेस पे अभी कोई मेकअप भी नहीं है कि आप लोग बोलेंगे कि मैंने मेकअप किया हुआ है। ये मेरा बिल्कुल नेचुरल मैं आपके सामने आई हूँ, क्योंकि ये खीरे की स्लाइसेस या फिर आलू की स्लाइसेस रखने के पहले आपको अपने फेस को वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अभी अपने फेस को वॉश करके आई हूँ, तभी मैं इन दोनों चीज़ों को यूज कर रही हूँ। तो देखिए मेरे फेस पे बिल्कुल मेकअप नहीं है। तो फ्रेंड्स जो तीसरी चीज़ है वो है बादाम का तेल। ये देख लीजिए, ये जो बादाम का तेल है ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा होता है। मतलब कि बादाम तो सच बताऊँ तो फेस के दाग को दूर करने में भी काम करता है, और आपके फेस को गोरा बनाने का भी काम करता है, और डार्क सर्कल के लिए सच बताऊँ तो ये तो रामबाण उपाय है। तो आपको डेली रात में सोने से पहले अपने फेस को वॉश कर लेना है, और ये बादाम के बस थोड़ी सी बूंदे, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, बस थोड़ी सी बूंदे, देखिए शायद आपको दिख रही होंगी, ये देखिए बिल्कुल थोड़ी, ये देखिए बिल्कुल ये थोड़ी सी बूंदे ले ली है, और इसे देखिए सॉरी टपकने लगा, और इसे आपको इस तरह से मसाज करना है। देखिए इस तरह से आपको बस 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है। फ्रेंड्स ये तो इतनी ज़्यादा फायदेमंद है ना, कि अगर आप मान लीजिए कि खीरे और आलू के स्लाइसेस नहीं भी लगाते हैं ना, और ये सिर्फ बादाम के तेल को आप डेली रात में यूज करेंगे, और बस इसे थोड़े से 2-3 मिनट के लिए आप मसाज कर लें, और उसके बाद पूरी रात आराम से चैन की नींद सो जाए। और सच बता रही हूँ फ्रेंड्स कि 15 दिनों के अंदर आपके जो भी काले घेरे हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा यूज किया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और फ्रेंड्स आप ये तीनों चीज़ों में कोई एक चीज़ भी करोगे ना तो 15 दिन के अंदर मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके डार्क सर्कल दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को और किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।